मोहल्ले का नाम क्या है? बासंती। हाँ जी, बोला कि चंद्रवंशी से लेकर के नास्तिक का सब विनाश कराते। चंद्रवंशी अगर सूर्यवंशी नहीं बने तो जो चंद्रवंशी विजयमाला के मण के बनने वाले हैं, और सूर्यवंशियों से मिलकर के सूर्यवंशी बन जाते हैं। जैसे राधा चंद्रवंशी है, और सूर्यवंशी कृष्ण से मिलकर के क्या बन जाती है? सूर्यवंशी बन जाती है। जो परंपरा भारत में अभी तक भी चली आ रही है, कन्या कोई भी कुल की क्यों न हो, कोई भी वंश की क्यों न हो, पति के घर में जाकर किस कुल की हो जाती है? जो पति का कुल, वो पत्नी का कुल हो जाता है। इससे पहले तो विनाश से मिली थी वंशी है, जब तक नहीं मिली है, जैसे रुद्रमाला में जो चंद्रवंश की है वो विनाश का निमित्त बनती। अज्ञान से विनाश होता है या ज्ञान से विनाश होता है? तो जब तक ज्ञान नहीं मिला है तब तक इस्लामी बौद्ध जी क्रिश्चियंस का साथ देने वाली है या सूर्यवंशियों का साथ देने वाली है? हाँ जी, तो जो विधर्मी है उनके संग के रंग से पतन होगा या पावन बनेंगे? इसलिए बोला तुम सब सीताएं हो, अटल निश्चय बुद्धि होकर नहीं रहते, कुछ न कुछ और धर्म वालों के प्रभाव में आ जाते हो। इसलिए एक व्यापी को भूल जाते हो। बाबा जी से अभद्रवाणी ने बोला है कि माया प्रकृति के साथ हाथ मिला चुकी है, तो ये जो हाथ मिलाना मतलब चैतन्य आत्मा शरीर के साथ हाथ मिलाना हुआ या शरीर में हाथ? बाबा बेहद की भाषा बोलते हैं या हद की भाषा बोलते हैं? बेहद की भाषा बोलते हैं। हाथ से कोई बात, कोई चीज कैच की जाती है, ऐसे बुद्धि से भी कोई बात कैच की जाती है। इसलिए बुद्धि को हाथ का मिसाल दिया जाता है, तो स्थूल हाथ की बात नहीं है। स्थूल हाथ वाली आधारभूत माया ने तो शरीर छोड़ दिया, बुद्ध रूपी हाथ मिलाने की बात है। तो माया का जो संकल्प था प्रकृति वही काम को पूरा करने की लगी हुई है। माया बच्चों को डाउन करना चाहती है या भगवान के बच्चों का उत्थान करती है? डाउन करती है। और प्रकृति भी जब विकराल रूप धारण करती है तो क्या करती है? सारी दुनिया का विनाश कर देती है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में चाहे बेसिक नॉलेज के ब्राह्मण हो कच्चे, और चाहे एडवांस नॉलेज के कच्चे ब्राह्मण हो, माया और प्रकृति उनका विनाश कराए देगी। जो पक्के ब्राह्मण होंगे, जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाते, उन पक्कों की परिपक्व दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा, कच्चों की दुनिया का फाउंडेशन पड़ना चाहिए या एकदम पक्के ब्राह्मणों की दुनिया का फाउंडेशन नई दुनिया का पड़ना चाहिए? तब तो 5000 साल दुनिया ठहरेगी। इसलिए वो सारी दुनिया के पूर्वज कहे जाते हैं।
बाबा ये हम लोग तो उड़ीसा में ये चीज खाते हैं, ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? छत्तू बोलते हैं मुरली में, क्या फूल तमो प्रधान भी होते हैं, फूल सतो प्रधान भी होते हैं। धान का नड़ा से भी निकलता है, धान का जो नड़ा होता है। हाँ जी, उससे भी निकलता है। फूल तो फूल है, कांटे तो कांटे हैं, है? मिट्टी से भी निकलता है। फूल को यूज करना अच्छा है या कांटों को यूज करना अच्छा है? बल आक का फूल है तो भी या के फूल से कितनी दवाइयाँ बनाई जाती हैं? मनुष्य का कल्याण करने वाली है या कल्याण करने वाली है? कल्याण ही होता है। तो ले सकते हैं। क्या बात तुम पूछते हो? ये फूल मुरली में कुछ बोला है कि मना क्या है कि सत्तू जो चीज है वो मशरूम उसको नहीं खाना चाहिए। मशरूम नहीं खाना चाहिए, वही है मुरली में क्या बोला है? मुरली में वो तो मैं सुना नहीं है, आत्माएं जो बोलती है नहीं खाना चाहिए उसको बोला। क्या नहीं खाना चाहिए? और जो सत्तू और जो छत्तू उसको मशरूम जो तुमने अपना अर्थ लगा लिया। हाँ जी, है क्या बनाया? मणिधर है, मणिधर। माया को जो सब सारी दुनिया मायावी है तो मायावियों को कंट्रोल कौन अच्छा करेगा? माया ही अच्छा कंट्रोल करेगी है। हाँ, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट नहीं है तो बाबा की जो मत मिलती है कि हे माया बेटी, जो जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको तुम फूकू फटकाओ, तो क्या माया श्रीमत फॉलो नहीं कर रही है? है? कर रही है, है? वो भी बाबा की बच्ची है। तो बाबा इसका ये मतलब भी निकाला जाए कि मायावी दुनिया का मॉनिटर माया है और जो पुरानी दुनिया का मॉनिटर माया है या नई दुनिया का मॉनिटर माया है? पुरानी तमो प्रधान दुनिया का मॉनिटर माया है। और लक्ष्य दिया कि नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। हाँ जी, लेकिन गंगा है इसको मस्तक पर दिखाते हैं। है गंगा को? हाँ, मस्तक पर दिखाते हैं। हाँ जी, लेकिन नारी से जो लक्ष्मी बनती है पार्वती इसको नीचे दिखाते हैं। हाँ, गंगा तो ऊंचा हो गया होगा। दोनों में से ज्यादा सेवाधारी कौन बनती है? गंगा है। गंगा तो दुनिया में हर एक बाप जो है वो उसी बच्चे को ज्यादा प्यार करता है जो उसका धंधा संभालता है। जो बच्चा बाप का धंधा नहीं संभालता उसको कहते हैं घर में बैठो, तुम नाम बदनाम कर दोगे बाहर की दुनिया में जाकर के। बोला कि ब्रह्मपुत्र सागर का मेला को ज्यादा महत्व देना चाहिए, ब्रह्मपुत्री से मिल जाती है। गंगा जाकर के ब्रह्मपुत्री से मिलती है, गंगा सागर से डायरेक्ट नहीं मिलती। हाँ जी, तो और ब्रह्मपुत्री और सागर का मेला का ज्यादा महत्व। हाँ जी, तो वो मेला से कल्याण सारा होता है। बिल्कुल, ब्रह्मपुत्र ही है कौन? भक्ति मार्ग में ब्रह्मपुत्री क्यों कहा? बाबा ने ब्रह्मपुत्र नाम क्यों रख दिया? ब्रह्मपुत्री नहीं रुद्रमाला का मणका है, वो ऊंची ऊंची स्टेज में पहाड़ों पर बहती है क्या? हाँ जी, जो प्योरिटी की ऊंची स्टेज में बहती है, पवित्र जल रहता है, मैदानी इलाके में आकर के गंध नहीं बहाती, उसको ब्रह्मपुत्री नदी कहा गया है। मानसरोवर झील की तरफ से निकलती है और वो उसी पाटधारी जब तक नहीं आती है तब तक काम संपन्न भी नहीं होता है। आवाहन करने के लिए किसको बोला गया? तो ब्रह्मपुत्रा का आवाहन किए बगैर गंगा यमुना सरस्वती कुछ कर सकेंगी क्या? है? नहीं कर पाएंगी। गंगा यमुना सरस्वती का आवाहन करने के लिए कभी बोला गया क्या? नहीं बोला।
किसका आवाहन करने के लिए बोला? विजय माला का आवाहन करो। उस हिसाब से विजय माला का जो है उसका ज्यादा महत्व होना चाहिए ना, गंगा के मित्र मुकाबले। तो गंगा का महत्व भगत लोग करते हैं या ज्ञानी लोग करते हैं? ज्ञानियों की बुद्धि में गंगा का महत्व ज्यादा है या लक्ष्मी का महत्व ज्यादा है? वैसे भी जितनी भी देवियां हैं उन देवियों में नंबर लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं? थे बाबा, अगर लक्ष्मी को आकाश गंगा कहेंगे तो गलत होगा, आपके नहीं होगा। तीन गंगाएं गाई जाती हैं, भूलो गंगा, आकाश गंगा, पाताल गंगा। आकाश माने ऊंची स्टेज, ऊंची स्टेज में बहती है माना पवित्र रहती है, और नदियों में इतनी प्योरिटी नहीं होती, और नदियों की दे अभिमानी की मिट्टी चिपकने वाली होती है, और गंगा की मिट्टी चिपकने वाली नहीं होती है, उससे संग का रंग नहीं लगता है, सारे शरीर पर गंगा की मिट्टी ले पर लपेट दो और थोड़ा सा पानी डालो, सारा सारी मिट्टी धुल जाएगी। यमुना की मिट्टी चिकनी होती है, शरीर पर चिपक जाती है, ये वो देह अभिमानी की मिट्टी है जो एक बार किसी के संग के रंग में आ जाए तो जल्दी उसे छोड़ती नहीं है। निजात पाना ही मुश्किल है। और बाबा, जो गंगा शंकर की सर माथे पर शोभा पाती है, वो गंगा जब मैदान में निकलती तो बहुत सेवा करती है, तो सेवा करने से संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। भागी भी बनता है, परंतु अगर ऐसी सेवा करें बाप की याद में रह करके जो संग का रंग न लगे तो राम तेरी गंगा कभी भी मैली नहीं बन सकती, कभी भी बाप से बिछोह नहीं हो सकता। नदी वह जिसका सदैव सागर से कनेक्शन रहे। गंगा भी मैदान में आती है तो उसमें ढेर सारा कचरा पड़ता है, फिर भी गंगा की ये विशेषता है कि श्रेष्ठ नदी में जाकर के मिलती है। पतित पावन सीताराम कहा जाता है, हाँ जी, और गंगा को भी पतित पावन ही कहा जाता है, उनमें अंतर क्या है? गंगा सन्यासियों में से है, गंगा के किनारे सन्यासियों का जमघट लगता है, या गंगा की मान्यता गृहस्थियों में के मुकाबले सन्यासियों में जाती है? सन्यासी लोग गंगा के किनारे चौकड़ी मार करके बैठते हैं, लक्ष्मी नारायण तो प्रवृत्ति मार्ग है, सन्यासी अगर नमन भी करेंगे तो नारायण को ही कहेंगे नमन करेंगे, लक्ष्मी का नाम नहीं लेते हैं, इसलिए गंगा से भी जास्ती लक्ष्मी नारायण के मंदिर भव्य मंदिर बनाए गए हैं। प्रवृत्ति मार्ग से ही नई दुनिया की स्थापना होती है, निवृत्ति मार्ग से दुनिया का पतन होता है, देवताओं के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना नहीं हो सकती है। निवृत्ति मार्ग है दुर्गति में जाने का मार्ग, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना बाप आकर के करते हैं।
प्रभु कुमार की स्थापना तो दादा करके करते हैं तो उनका पहला सैंपल कौन है? बस वो तो भगत लोग गायन करते हैं ना कि ज्ञानी करते हैं, अभी भी बुद्धि में नहीं बैठता है। भक्ति मार्ग की गीता में ज्ञान तो सारा डाला, लेकिन बड़ा अज्ञान क्या डाल दिया? भगवान कौन है पढ़ाने वाला है? भगवान जो गीता का है वो सुनने सुनाने वाला भगत है या समझाने वाला बाप है? है तो भगवान तो भगत को बनाई दिया, कल्याण कैसे होगा? भक्ति से तो दुर्गति होती है, जो 2500 साल की हिस्ट्री में होती आई है। एक घड़ा अमृत का भरा हुआ रखा हो या दूध का भरा हुआ रखा हो, उसमें एक बूंद सांप का विष डाल दिया जाए तो सारा घड़ा क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा या विष हो जाएगा? तो ऐसे ही भक्ति मार्ग की गीता है। एक प्रश्न आया है, भक्ति मार्ग में भोग लगाते हैं भगवान को, तो पर्दा डाल देते हैं, है? पूछने वाले ने तो स्थूल बात पूछी है या बेहद की बात पूछी है? है? अगर बेहद की बात पूछी होती तो प्रश्न का जवाब मिल जाता है। अरे भगवान रोटी लड्डू पेड़ा खाएगा या बेहद का भोग लगाएगा? है? भगवान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भोग लगाता है या खाने पीने की स्थूल चीजों का भोग लगाता है? है? कौन से भोग की बात है? भगवान का जो भोग है वो फल फूल पत्रों का लगाया जाता है। चैतन्य आत्माएं जो अर्पण होती हैं वो ही भगवान का भोग है। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है, मिलन मेला पर्दे के अंदर अच्छा होता है, जितना गुप्त दान करते हैं उतना महान कल्याण होता है। इसलिए भगवान को भक्त लोग जब भोग लगाते हैं तो पर्दा डाल देते हैं, कोई देख ना पाए। ये विषय भोग हैं, भगवान की तो बात छोड़ो, मनुष्य जी जब बेहद का भोग लगाते हैं, भोग वासना में लिप्त होते हैं तो पर्दे में होते हैं या चौराहे पर होते हैं? है? पर्दे के अंदर भोग लगाते हैं ना। भक्ति मार्ग की बातें बड़ी निराली हैं। बाबा भारत वर्ष क्यों कहते हैं? भारत कल्प या भारत युग क्यों नहीं कहते? वर्ष माने स्थान। और है भागीदारों की बात है, ब्रह्मा की सोल बोल रही है इंटरफियर करके, सेवो बोल रहा है ये वाक्य, ये ब्रह्मा की सोल बोल रही है।
ब्रह्मा की सुर बोल रही है, तुम माने भागीदार, जिसको दुकान सौंपी गई थी अर्थात सेवक राम, और हम माने ब्रह्मा दादा लेखराज, तुम और हम अपने अपने धंधे में बिजी थे ना, भागीदार सेवक राम की छोटी सी दुकान थी हीरे जवाहरातों की, और ब्रह्मा बाबा की बड़ी भव्य सुंदर दुकान थी, इसलिए बोला कि हम और तुम अपने अपने धंधे में बिजी थे ना, है फूल का धंधा, फूल का धंधा, फूल धंधे में बिजी थे। हाँ जी, हीरे जवाहरातों का धंधा, राधा की बेहद का माने है राम की धारणा सच्ची, इसे गंगा की क्या बेहद की है, इसे राधा की बेहद की माने है राम की धारणा शक्ति, इसे गंगा की क्या माने है, मीनिंग बेहद की भाषा में माने गंगा का, जैसे सीता राम कृष्ण और राधा का जैसे बेहद का माने है कर्म के आधार पर नाम है, वैसे तो गंगा का क्या नाम है। हर बात पहले पहले थोड़ी बताई दी जाती है, ठीक है ठीक है, ये वो जो है वो ब्रह्मा में प्रवेश करता है या कोई और में प्रवेश करता है, है? ब्रह्मा में ही प्रवेश करता है, और ब्रह्मा भी नंबरवार है या एक जैसे हैं, है? ब्रह्मा सो विष्णु बनने वाली आत्माएं नंबरवार हैं या एक ही जैसी हैं, नंबरवार आत्माएं हैं, तो शंकर उन्होंने जो नाम दे दिया है वो वास्तव में शंकर नहीं है, वो शिव भगवान है, जो शंकर के पंचानन रूप में दिखाया जाता है, चौमुखी महादेव भी कहते हैं, पंचमुखी महादेव भी कहते हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति ब्रह्मा गाया हुआ है, क्योंकि प्रजापिता भी ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा के जितने रूप हैं वो सब सुनने सुनाने तक ही वो आत्माएं सीमित रहती हैं या अंत में समझ भी जाती हैं, समझने समझाने वाली बनती हैं या नहीं बनती हैं, है? हाँ, तो जब समझाने की स्टेज आ जाती है तो वो शंकर की स्टेज हुई या ब्रह्मा की स्टेज हुई, शंकर की स्टेज हुई। बाबा आज मुरली में आया जो था, मतलब राम जैसे राम 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 राज्य स्थापन करता है तो उसी के नाम के आधार पर पड़ता है, जो राज्य करेगा वही भोगेगा भी, तो ऐसे रावण राज्य भी राम ही ने शुरू करता है, तो क्या मुरली में बोला नहीं है राम ही रावण बनता है? अरे बोला जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, जो पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य, विषय वासना उत्पन्न करने वाला वैश्य तो पहला शूद्र, जो पहला शूद्र तो पहला फिर ब्राह्मण, मतलब जो सुख की दुनिया मेरी है तो दुख की दुनिया भी मेरी है, ठीक है, सुख की दुनिया मेरी है, मेरी स्थापन की हुई है, तो दुख की दुनिया का बीज कौन है, दुख की दुनिया भी मेरी है,
राम की आत्मा क्या स्वर्ग ही स्थापन कर रही है अपने लिए अनेक जन्मों का, सुख की ही स्थापना कर रही है संगम युग में या दुख की भी शूटिंग कर रही है? दोनों है, दोनों कर रही है। सुख का भी फाउंडेशन डाल रही है तो दुख का भी फाउंडेशन डाल रही है। नंबर वन हर एक आत्मा ऐसा कर रही है, ऐसे ही हर आत्मा का हिसाब किताब है। दो श्रीमत पर चलते हैं तो सुख की स्थापना होती है, मन मत पर चलते हैं, मनुष्य मत पर चलते हैं तो दुख की स्थापना होती है, दुख के जन्मों की शूटिंग हो जाती है। जगन्नाथ जी के मंदिर में बाबा अन्य संप्रदाय का प्रवेश निषिद्ध है, तो ये संगम जी में कैसे इसका शूटिंग होती है? जब जगन्नाथ मंदिर में दूसरे धर्म, रुको रुको, हाँ, जगन्नाथ मंदिर में दूसरे संप्रदाय के आत्माओं का प्रवेश निषेध है, इसकी शूटिंग कैसे होती है? दूसरे संप्रदाय, संप्रदाय जैसे क्रिश्चियन हो गए, मुसलमान हो गए, जगन्नाथ नीचे सब संप्रदाय नहीं जाते हैं क्या? हाँ, वो जाते हैं। तो संप्रदाय दूसरे क्यों कहते हो? दूसरे धर्म के लोग, हाँ, हर धर्म के बीच मौजूद है। अभी जो स्थापना हो रही है, जो सारे विश्व का सारे जगत का नाथ बनने वाला है, अभी उसके मंदिर का बाहरी रूप तैयार हो रहा है, यह जगन्नाथ का अंदर का मंदिर तैयार हो गया है। बाहरी रूप चल रहा है तो गंदी गंदी मूर्तियां दिखाई हुई है, वो गंदी मूर्तियां जो गंदा कर्म करते हुए दिखाई गई हैं, वो मंदिर के गर्भोष्ठ में नहीं है, बाहर है। इससे साबित होता है कि जगन्नाथ का मंदिर जब स्थापन हो जाएगा तो उसमें सूर्यवंशी आत्माएं ही पांव रख सकेंगी, बुद्ध रूपी पांव और धर्म वाले नहीं धर सकेंगे। वो गहराई की बात और धर्म की आत्माओं के समझ में नहीं आवेगी, उनके पांव वहां नहीं पड़ सकते। इसलिए और धर्म वालों को आज भी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश निषेध है। उसको ये तो तुम्हारी कल्पना है, एनएस का मतलब है नया संगठन। मंदिर बन रहा है ना, जो नया संगठन बन रहा है, कोई नया मकान बनाते हैं, आज भी देखा जाता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं तो चारों तरफ पर्दा डाल देते हैं कि नहीं, नहीं देखा? चारों तरफ पर्दा डाल देते हैं कि कोई फाउंडेशन देख न सके। ये यादगार है, नई दुनिया का जो फाउंडेशन है, जो जमीन खोद करके डाला जाता है, जो नई दुनिया की नींव है फाउंडेशन, वो फाउंडेशन में ईंट पत्थर मिट्टी सब कुछ डाला जाता है, और दुर्मुख से जब ठुकाई होती है तो कोई पत्थर इधर उधर खिसक जाते हैं। बाबा इधर उधर खिसक जाना मतलब संगठन से निकल जाते हैं। हाँ जी, और कोई फाउंडेशन में पक्के मजबूत रहते हैं, अंदर ही तो रहते हो ना, तो क्या हुआ, खिसक तो गए। ऐसे नहीं है कि जो फाउंडेशन पड़ रहा है वो कोई स्वर्ग का फाउंडेशन पड़ गया, स्वर्ग में जो फाउंडेशन होगा वो लक्ष्मी नारायण का होगा या सिर्फ सूर्यवंशियों का होगा, रुद्रमाला के मणकों का होगा, लक्ष्मी नारायण का होगा। और मेरा क्या करके सब काम करना क्या बात?
सुबह की मुरली कर लेने के बाद क्लास करना है, मुरली में क्लास करने के बाद नौकरी काम करना है, नियम पूर्वक मुरली सुनना है और उसमें कोई काम नहीं। ठीक है, बाबा की वाणी उसके लिए बोला गया है, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, तो मुरलीधर अकेले से प्यार साबित होना चाहिए या धंधा धोरी से भी प्यार साबित होना चाहिए? है? एक से प्यार साबित होना चाहिए। तो भगवान की जब वाणी सुने, जो रेगुलर हमारा क्लास होता है रोज का संगठन का प्रातः क्लास का, उसमें कोई धंधा स्वेटर या बुनना आदि नहीं होना चाहिए। नींद लगता है क्लास में तो निमित माता देते हैं ना, तो चावल गिनती करो नहीं तो बादाम थोड़ा के गिनती करो। है? जब नींद लगता है तो निमित माता बोलती है कि चावल को ये करो या बादाम को गिनते रहो, तो ऐसे काम करने से नींद छूट जाएगा। तो याद के लिए बोला है। क्लास में भी जब नींद आता है कोई क्लास करते समय तो निमित माता वही बोलती है। जिनको प्यार होगा भगवान से, माँ बाप को बच्चों से प्यार होता है तो बच्चों की बातें कितनी मीठी लगती हैं। जिससे प्यार होता है उसकी बातें भी अच्छी लगती हैं, उस समय नींद नहीं आ सकती। जिससे जिसको प्यार होता है उसकी भाषा से भी प्यार होता है, उसके बोल से प्यार होता है। ये क्या बोलता है हमारे लिए, और भगवान की वाणी जो कुछ बोल रही है वो हमारे लिए बोल रही है या औरों के लिए बोल रही है? हमारे लिए बोल रही है। तो भगवान की वाणी से जिसको प्यार होगा उसको नींद आएगी? कुंभकर्ण सन्यासियों को नींद आती है, भगवान के बच्चों को नींद नहीं आ सकती। माया खींचती है तो माया से लड़ाई लड़ो पहले बाबा। है माया बाबा, लेकिन गीता पाठशाला की जो निमित माता ही रहते हैं है? बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। इसका मतलब अपने धंधे धोरी से ज्यादा प्यार है, बाबा की वाणी से उतना प्यार नहीं है। बैठने से नींद आता है तो सो, घर में बैठ के सो जाओ आराम से। बाबा सोने से दूसरी आत्मा का भाग्य खराब होता है। संगठन में आकर के सोना चाहिए नहीं। सोने वाले तो याद के क्लास में भी सोते हैं और मुरली के क्लास में भी सोते हैं। बाबा सामने आ जाएगा तो भी मुरली के क्लास में सोएंगे, याद में भी सोएंगे। ये तो एक तरफ से बाबा का, तो इससे साबित होता है कि पाप कर्म इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, ज्ञान में आने के बावजूद भी 100 गुना पापों का बोझा चढ़ रहा है श्रीमत की बरखिलाफी करने के कारण। जो मुरली में भी नींद आती है और याद में भी नींद आती है, भगवान और भगवान की वाणी का महत्व ही नहीं जानते। लेकिन बाबा कुछ गीता पाठशाला के निमित्त बनी हुई माताएं या भाई वो लोग कुछ धंधा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते, काम करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो मुरली का माँ बाप वो बताओ उनको, या कोई ऐसे है वो जो अभी रामदेव का निकला है अनुलोम विलोम ऐसा कुछ करते रहते उनको बताओ कि बाबा ने बोला है कि जब मुरली सुने क्लास में 1 घंटे संगठन क्लास में, तो उस समय कोई दूसरा धंधा नहीं करना चाहिए, अलर्ट होकर के मुरली सुने, कानों को विभिचारी न बनाए, सारी इंद्रियां एकाग्र हो जाएं एक की वाणी में। बाबा किसी आत्मा को नींद आ रहा होगा तो दृष्टिघात हो रहा होगा शिक्षक का, तो पास में बैठी हुई आत्मा अगर उसको सतर्क करा दे, नींद में सो जाकर उठा दे, कुछ गलत तरीके से जगाओ, ऐसे नहीं धक्का मार के जगा दो। कभी कभी सोई हुई आत्मा बाबा गुस्से से देखी रहती है, गुस्से गुस्सा हो जाता है। कोई बात नहीं, कड़वी दवाई दी जाती है तो कोई कोई नाराज हो जाते हैं।
बाबा अभी बाबा आए हैं नई दुनिया की संगठन बनाने के लिए, स्वर्ग की दुनिया की। तो अभी तो संगठन बन रहा है, तो बाबा अभी संगठन से ही प्यार कर रहे हैं, परंतु कोई आत्मा अगर संगठन के लिए कोई उसका उत्साह नहीं है, फिर भी घर में बैठ के बोलते मैं बाबा का बहुत याद में करता हूँ, तो उसको क्या कहा जाए? बाबा से प्यार है या दिखावटी का प्यार है? क्योंकि बाबा तो अभी आते संगठन के लिए, और संगठन बनाना ही ब्राह्मण बच्चे का काम है, कैसे नई दुनिया का स्वर्ग बन जाए। लौकिक दुनिया में भी परिवार को संगठन कहेंगे या नहीं कहेंगे? परिवार एक संगठन होता है। अगर कोई बच्चा या संगठन का भांति, परिवार का भांति घर परिवार को छोड़ करके चला जाए, कोई लेना देना नहीं, तो उसको सहयोगी कहेंगे या विरोधी कहेंगे? अहंकार है कि हम सब कुछ कर लेंगे, यहाँ तो बाप कहते हैं बाप के सिवाय बच्चों का उत्थान हो ही नहीं सकता, परिवार कैसा भी हो, कैसे भी विरोधी संस्कार वाले हों, फिर भी भगवान बाप का परिवार न बिगड़े, अंत तक उसका सहयोगी बनना है, सहन करना है, जो सहन करेगा वो सहन कराने वाला राजा बनता रहेगा। हम ईश्वर के लिए सहन कर रहे हैं, आपस में 63 जन्मों के हिसाब किताब उदय हो रहे हैं, टकराहट तो होगी, भारत के राजाएं तो जन्म जन्मांतर लड़ाई लड़ते रहे, तो वो लड़ाई लड़ने की रील घूमेगी नहीं क्या? वहां इसी में भी जो लड़ाई लड़ने वाले राजाएं आपस में लड़ते थे और फिर बाद में मिलकर के एक हो जाते थे, वो तो फायदे में रहे, लेकिन जो लड़ झगड़ करके बिल्कुल अलग हो जाते थे वो ही विदेशियों के आक्रमण से हार गए, माया विदेशी है या स्वदेशी है? माया विदेशी है, माया रावण भी विदेशी है, अकेला देख करके प्रहार करेगा, हरा देगा। ये स्मृति की डोरी है, भगवान बाप की स्मृति की डोरी, संगठित होकर के याद में बैठेंगे तो सब डोरियां मिलकर के रस्सा बन जावेंगी, अपने अपने घर में धुनी रमाएंगे तो सिंगल डोरी ही रहेगी। सिंगल डोरी को, माया को तोड़ना आसान होगा या रस्से को तोड़ना आसान होगा? अपने अपने घर में बैठ करके याद करेंगे, मुरली सुनेंगे, माया आराम से तोड़ती रहेगी, पता भी नहीं लगने देगी कि माया रावण ने अच्छी तरह से पकड़ लिया। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, संघौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में दूसरी कोई शक्ति काम नहीं करती है, संगठन की शक्ति ही काम करती है। भगवान भी सर्वशक्तिवान है, लेकिन अकेला चना भार फोड़ लेगा क्या? है परिवर्तन कर लेगा क्या? उसको भी इस दुनिया में आकर के परिवार में रहना पड़ता है, पारिवारिक संगठन बनाना पड़ता है। और
बाबा कहीं दो तीन गीता पाठशाला है, एक गीता पाठशाला में 40-50 आत्माएं आती हैं और एक गीता पाठशाला में 5-10, तो छोटा गीता पाठशाला के आत्माओं को बड़ा गीता पाठशाला में मिलकर संगठन बनाना चाहिए या अलग अलग रहकर बोलना चाहिए? मतलब 5 की जगह 40 जाना चाहिए, 40 की जगह 5 जाना चाहिए, पूछ रहे। ये तो संगठन क्लास जब होता है तो उस समय निश्चित करना है कहाँ संगठन होना चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह बोलेंगे। तो पर्ची डाल दो। पर्चियां डाली जाती है ना, वो डाल दो, जिसका नंबर आ जाए ज्यादा आ जाए। अरे एक ही नंबर तो ये आएगा, बाकी में सब में क्रास। अभी कोई राम राज्य नहीं आ गया है कि एक का राज्य चलेगा। अभी भी प्रजातंत्र चल रहा है या राम राज्य चल रहा है? फिर इसलिए साहब से मिलकर के मिलजुल करके चलना है या एक एक महीना में एक एक जगह कर देना? नहीं, हर संडे को संगठन होने दो। ज्यादा गीता पाठशालाएं हैं तो गुरुवार को भी संगठन होने दो। आज की सरकार भी जिस जाति के लोग बहुत संख्या में हैं उनको प्रेफरेंस देती है या अल्पसंख्यकों को प्रेफरेंस देती है? अल्पसंख्यकों को आज भी प्रेफरेंस मिल रहा है, तो इसलिए उनको मद्देनजर नहीं करना है। संगठन करने में भी कुछ खर्च करना पड़ता है, ऐसे नहीं कोई जिम्मेवारी उठा लेते हैं। तो वो भी जिम्मेवारी में आता है संगठन के लिए जो पैसा खर्चे होते हैं वो भी तो ये पैसा खर्च होते हैं तो गीता पाठशाला क्यों खोली? ये दूसरे आत्मा भीख मांगनी है क्या? चंदा मांगना है? नहीं, चंदा तो नहीं मांगना है। नहीं बाबा, बस में जो जाते हैं। तो क्या हुआ, बस में जाते हैं, अपना अपना खर्चा करते हैं। कोई भी आत्मा कोई कंप्लेन रहता है कि इतना जगह संगठन जाएंगे तो ज्यादा, तो ना जाओ ना, कोई कंपल्सन है क्या? और बाबा घर में क्लास करना चाहिए कि नहीं? गीता पाठशाला दूर है। गीता पाठशाला दूर है, बांधनी माता की गीता पाठशाला जिनके लिए दूर है, रोज नहीं जा सकते हैं तो सप्ताह में 2 बार जाओ, लेकिन रेगुलर जाओ। 1 बार जाओ, बहुत दूर है तो 2 घंटे 1 घंटे दूर है तो महीने में 1 बार जाओ, लेकिन जाना जरूर है तो कहेंगे रेगुलर और टाइम से जाना है, पंक्चुअल। और दूर है तो क्या करेंगे, सप्ते में 1 बार आते हैं। हाँ हाँ, जिनके लिए दूर है वो क्या करेंगे? ठीक है। और बाहर की दुनिया में अभी कोई अभी आटम अणु का कोई कोलिजन कराने का व्यवस्था चल रहा है आत्माओं के ऊपर, आटम के ऊपर रिसर्च करके उसका अंदर में क्या है खोज कर रहे हैं, उसका देहत में कुछ लागू होता है? बाबा अभी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि ये दुनिया जैसे किसी बड़े कब से, हाँ ये कब से शुरुआत हुई, ये दुनिया का शुरुआत हुआ है ऐसे जोर से तो धक्का हुआ पृथ्वी पर, उसके कुछ अणु निकले ऐसे, इसको इंग्लिश में बिग बैंग का नाम से जाना जाता है। और अभी एक तो 100 मीटर गहराई के नीचे पृथ्वी के वो हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है वो अभी आपस में भिड़ाएंगे, वो अभी चल रहा है, उसी के बारे में पूछ रहे हैं।
उसका क्या माने है धरती दुनिया? दो दिन पहले बोले थे दुनिया खत्म हो जाएगी कल दुनिया की बातें सुनो, भले सुनो, दुनिया भी अखबार पढ़ो, भले पढ़ो, बल बल घर गृहस्थ में रहो। ऐसे ही जो कुछ भी दुनियावी बातें सुनते हैं उनको ज्ञान से टैली करो। ज्ञान में न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं है क्या? ये तीन मूर्तियां, इनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं है क्या? इनसे टैली करो। अगर टैली नहीं कर सकते हैं ज्ञान की बातों से, तो बाहर की दुनिया की बातों पढ़ने से भी सुनने से भी कोई फायदा नहीं, और ही नुकसान हो जाएगा। क्या पूछा माता ने? हैं? बताओ भाई, ये अंग्रेज ये क्या नाम था? न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो नेगेटिव होता है वो शंकर वाले अपने, पॉजिटिव ब्रह्मा, और जो न्यूट्रॉन है वो विष्णु। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे के धर्म में जाना दुख की बात है, इसका बेहद का अर्थ क्या है? अपना धर्म माने स्वधर्म माने आत्म की स्थिति। आत्म की स्थिति में कोई मरेगा, स्व स्थिति में कोई मरेगा तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। यही स्वधर्म है। इसके अलावा, आत्मा के अलावा, इन आँखों से जो कुछ देखा जाता है विनाशी आँखों से, उसकी याद में मरेंगे तो नरक की दुनिया में जाएंगे या स्वर्ग की दुनिया में जाएंगे? हैं? इन आँखों से जो कुछ भी दुनिया में देखते हैं वो सब खलास होने वाला है, विनाशी है। ये तीसरे नेत्र से जो देखते हैं आत्मा और परमात्मा, उस याद में अगर मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वधर्म में रहना माना आत्म की स्थिति में रहना। आत्मा के अलावा और दुनिया में जो कुछ भी इन आँखों से देखते करते हैं वो सब परधर्म है। और अभी बिहार में जो एक प्राकृतिक विपदा हुआ जो बाढ़ आ गई कोसी नदी के कारण, हाँ जी, उसका कुछ ब्राह्मण परिवार के कारण हुआ क्या? तो कैसे हुआ? ब्राह्मण परिवार में कोसने वाली नदियाँ नहीं है क्या? उसने अपना मुख परिवर्तन कर दिया, जैसे बहुत से आत्मा है। जो चैतन्य ज्ञान नदियां हैं उनमें कोसने वाली नदियां हैं या नहीं है? तो उनमें जब बाढ़ आती है ज्ञान की तो मिट्टी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बाढ़ नदियों में आती है तो देह अभिमानी की मिट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी? और देह अभिमानी की मिट्टी जब मिलेगी उसमें बोड़म बोड़ होंगे तो ढेर सारे मरेंगे। ये भी विनाश का एक नमूना है। सबसे बड़ा विनाश होता है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश के विस्फोट से। ये जल का तामसी रूप है, जल देवता कहा जाता है। इन पांचों तत्वों में सबसे जास्ती विकराल रूप धारण करती है पृथ्वी,
पृथ्वी जब एटमिक विस्फोटों से बहुत तामसी बन जाएगी। ब्राह्मणों की दुनिया में होंगे ग्लानी के विस्फोट, भगवान की ग्लानी के बम फूटेंगे। भगवान जो दुनिया को स्वर्ग बनाने आता है उसकी ग्लानी करेंगे प्रैक्टिकल में। तो चोट से आहत होने के कारण पृथ्वी भूकंप लाएगी, पृथ्वी कंपायमान हो जाएगी और उस भूकंप से दुनिया का सबसे बड़ा विनाश होगा। जलवायु अग्नि ये तो सहयोगी है, प्रकृति का मुख्य तत्व तो पृथ्वी है। ये तो छोटे छोटे अभी रिहर्सल हो रहे हैं। तो कोई बड़े विनाश नहीं हो रहे हैं। और तेरे बहाने सर्व का बोला, और गति में भी बोला है और अड्रेस में भी बोला है। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है या प्रजापिता का दिन और प्रजापिता की रात गाई हुई है? ब्रह्मा माने चंद्रमा अंधेरे में आता है या सूर्य भी अंधेरे में आता है? चंद्रमा अंधेरे में आता है। तो जो अंधेरे में आता है, अज्ञान अंधेरे में है, अभी भी गीता का भगवान किसको समझे बैठा है? अरे 63 जन्मों में जो संस्कार पड़े हैं, उन 63 जन्मों में गीता का भगवान कृष्ण ये छाप कौन सी आत्मा के ऊपर ज्यादा पड़ी है? कृष्ण वाली आत्मा। तो शूटिंग पीरियड में भी जल्दी बुद्धि में बैठने वाला नहीं है कि गीता का साकार भगवान कृष्ण और ब्रह्मा नहीं है, कोई और है। ये अज्ञान अंधकार जल्दी खत्म नहीं होता है। इसलिए बोला तेरे बहाने सर्व का भला, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। चंद्रमा की चढ़ती कला होगी, संपूर्ण चंद्रमा बनेगा, ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा, तो सब का कल्याण हो जाएगा। वो पूछ रही है जब प्रकाशमणी जीवित थी तब उन्होंने बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, और शरीर छोड़ने के 12 दिन के बाद जब उन्होंने आया तो बोला अभी बाबा को प्रत्यक्ष करना है और उसका बटन मेरे हाथों में है। हाँ, अब सब भाई बहन आओ, जो समझते हो तो आओ, पता करें ऐसे। माया विदेशी है या स्वदेशी है? अरे माया रावण विदेशी है या स्वदेशी? अरे
इतनी बात भी नहीं मालूम? अरे विदेश में भगवान आता है या स्वदेश में भगवान आता है? भगवान जिसमें आता है, माया उसके अपोजिशन में खड़ी रहती है, लेकिन भगवान को प्रत्यक्ष विदेशी करते हैं या स्वदेशी करते हैं? तो विदेशियों का हेड माया है या नहीं है? तो कौन प्रत्यक्ष करेगा? इसलिए प्रत्यक्षता की चाबी माया के हाथ में है। विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, प्रत्यक्ष करने के निमित्त तो बने हुए हैं। और प्रश्न आया है, शास्त्रों में राधा को 3-4 साल बड़ा दिखाया है और कृष्ण को छोटा दिखाया है, ये कौन से राधा कृष्ण की बात है? सतयुग के राधा कृष्ण की बात है या संगम युग में राधा कृष्ण बनने वाली आत्माओं की बात है? मम्मा ने करी शरीर कब छोड़ा? 65 में शरीर छोड़ा। छोटी मम्मा ओम राधे ने 65 में शरीर छोड़ा। तो मम्मा के जाने के बाद कुर्सी खाली रहेगी या कोई दूसरी आत्मा आकर के भरती है? छोटी मम्मा आ जाती है 65-66 में, बेसिक नॉलेज में। ऐसे ही मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद कितने साल के बाद बाबा ने शरीर छोड़ा? 3-4 साल के बाद। 68-69 में बाबा ने शरीर छोड़ा। तो कुर्सी खाली रहेगी या कोई आत्मा आकर के कुर्सी भर देती है? कौन आत्मा है? राम वाली आत्मा। ये संगमयुगी कृष्ण के रूप में, संगमयुगी राधा के रूप में जो प्रत्यक्ष होने वाले साकार चोले हैं, वो मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद आते हैं। तो ज्ञान में पहले कौन आया और बाद में कौन आया? पहले राधा आती है, बाद में संगम युग में प्रत्यक्ष होने वाला कृष्ण आता है। इसलिए शास्त्रों में छोटा बड़ा दिखाया गया। बाबा भी भक्ति मार्ग की अमरनाथ की जो लिंग है वो पूरा बर्फ की लिंग पूरा पिघल गया, तो इसकी ज्ञान मार्ग में क्या कारण साबित हो सकता है कि विकारों की गर्मी बढ़ रही है ब्रह्मात्माओं में, इसलिए बाप गुप्त हो रहा है? बाप गुप्त हो रहा है बच्चों के सामने या दुनिया वालों के सामने? दुनिया वालों के सामने। फिर बाबा जो बच्चे दुनिया वालों के संग मिल रहे हैं तो उनके सामने तो गुप्त हो रहा होगा जरूर है? जो बच्चे दुनिया वालों के संग के रंग में आकर के दुनिया वालों के संग के रंग में आ गए, उनके लिए तो बाबा गुप्त हो रहा होगा, तो उनकी संख्या ज्यादा हो रही होगी। बिल्कुल, तो इसलिए बाबा भी धीरे धीरे थोड़े आत्माओं के सम्मुख ही प्रत्यक्ष रहेंगे। अब जो बच्चे रहेंगे, बात को मानेंगे, जो बच्चा बाप की आज्ञाओं को न माने उसे बच्चा बच्चा कहें? वो तो रचना रचना ही नहीं है। इसलिए एक्यूरेट रचना तक पहुंचना है बाप को। जिस रचना के द्वारा नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा, अभी भी इशारा दे दिया, बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकते और बच्चे बाप से कनेक्शन के बगैर नहीं रह सकते। बाबा, संगम युग में
प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, वो जन्म साकार का मनाया जाता है या आत्मा का मनाया जाता है? फिर साकार में प्रवेश हुआ तो साकार का जन्म कहा जाता है। जो प्रवेश होने वाली आत्मा है वो सूक्ष्म निराकार है या साकार है, उसका जन्म नहीं गाया है। आत्मा का तो संगम में कुछ नहीं, सचयुग में उसका, सचयुग में महिमा होती है, सचयुग की महिमा होती है। फिर लेकिन वो सचयुग का कृष्ण बनता है, संगम में उसका कृष्ण बनता है। सचयुग का कृष्ण की कोई महिमा शास्त्रों में नहीं है। महिमा गायन पूजन सारे संगमयुगी कृष्ण के हैं। किसका शरीर है? पुरुषार्थ कौन करता है? तो जिसका शरीर है, जो पुरुषार्थी है, उसके द्वारा रामराज्य स्थापन होता है। राशि मिलाते हैं तो अनिष्ट के लिए राशि मिलाते हैं या श्रेष्ठता के लिए राशि मिलाते हैं? फिर है क्या कह रहे बाहर वालों की? अरे ये बातें बाहर वालों की पढ़ाई चल रही है या अंदर वालों की पढ़ाई चल रही है? मनुष्य जब मरते हैं तो उनकी हड्डियों को गंगा में स्वाहा करते हैं। भक्ति मार्ग में मान्यता है अगर हड्डी गंगा में स्वाहा न की जाए तो सदगति नहीं होती है। कौन से मरने की बात है? है? अरे शरीर छोड़ना मरने की बात है या जीते जी मरने की बात है देह अभिमान से? तो यहाँ ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया में जब देह अभिमान से जीते जी मरेंगे उस समय हड्डी हड्डी जो पुरुषार्थ करना होता है, हड्डी हड्डी स्वाहा करने वाली बात होती है। जब गंगा प्रत्यक्ष होगी तो गंगा के ज्ञान जल में हड्डी हड्डी स्वाहा हो जाएगी। अभी तो अभी लौकिक धंधे में हड्डियां स्वाहा कर रहे हैं। और है क्या क्या व्यंग मार्ग से पुरुषार्थ करने का? व्यंग माने पक्षी, पक्षी जैसे हवाई जहाज की चाल उड़ता है ऊंची स्टेज में, ऐसे ऊंची उस स्टेज का पुरुषार्थ करना, नीचा पुरुषार्थ नहीं करना।